नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में Xiaomi Poco M3 Pro 5G versus Oppo A53s 5G का फुल डेप्थ कंपैरिजन करने वाले हैं। इसके अलावा इसी कीमत में आने वाले दूसरे स्मार्टफोन की जानकारी भी आपको वीडियो के लास्ट में देंगे। सबसे पहले बात करते हैं दोनों फोन के डायमेंशन की। दोनों फोन की लेंथ की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 6.37 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 6.46 इंच की लेंथ मिलती है। विड्थ की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 2.96 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 2.98 इंच की विड्थ मिलती है, जो कि सेम जैसी ही है। बात करें थिकनेस की तो Poco M3 Pro 5G में 0.35 इंच जबकि Oppo A53s 5G में 0.33 इंच की थिकनेस मिलती है। अब बात करते हैं वेट की तो Poco M3 Pro 5G में 190 ग्राम्स जबकि Oppo A53s 5G में 189.6 ग्राम्स का वेट देखने को मिलता है, जो कि सेम जैसा ही है। तो चलिए अब हम डिस्प्ले को कंपेयर करते हैं। डिस्प्ले टाइप की बात करें तो दोनों फोन में सेम ही IPS LCD की डिस्प्ले मिलती है। एस्पेक्ट रेशियो दोनों फोन में सेम ही 20:9 मिलता है। डिस्प्ले साइज की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 6.5 इंचेस जबकि Oppo A53s 5G में 6.52 इंचेस मिलती है। डिस्प्ले रेजोल्यूशन Poco M3 Pro 5G में 1080x2400 और Oppo A53s 5G में 720x1600 मिलता है। स्क्रीन टू बॉडी रेशियो Poco M3 Pro 5G में 83.72% जबकि Oppo A53s 5G में 82.67% मिलता है। बात करें PPI डेंसिटी की तो Poco M3 Pro 5G में 405 पिक्सेल प्रति इंच जबकि Oppo A53s 5G में 269 पिक्सेल प्रति इंच मिलती है। अब देखते हैं डिस्प्ले के अन्य फीचर्स यानी विशेषताएं की, जो कि मोबाइल फोन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब बात करते हैं सबके पसंदीदा फीचर्स कैमरा की। दोस्तों, सबसे पहले बात करें मेन कैमरा की तो Poco M3 Pro 5G में 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। और Oppo A53s 5G की बात करें तो इसमें भी हमें 4 कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि वाइड एंगल प्राइमरी कैमरा, मैक्रो कैमरा, डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है। बात करें वीडियो कैमरा की तो दोनों फोन में 8 डिफरेंट टाइप के फीचर्स मिल जाते हैं। अब बात करें फ्रंट कैमरा यानी कि सेल्फी कैमरा की तो Poco M3 Pro 5G में सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें कि 4 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। और Oppo A53s 5G में भी सिंगल कैमरा देखने को मिलता है, जिसमें 3 डिफरेंट फीचर्स मिलते हैं। आइए अब बात करते हैं हार्डवेयर के बारे में, जिसमें हम CPU, GPU, RAM की इंफॉर्मेशन देखते हैं। हार्डवेयर में सबसे पहले CPU, जो कि स्पीड के हिसाब से देखा जाए तो फोन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसकी डिटेल्स देखते हैं। GPU दोनों फोन में सेम ही माली G57MC2 देखने को मिलता है। चिपसेट दोनों फोन में सेम ही MediaTek Dimensity 700MT6833 मिलता है। बात करें RAM की तो Poco M3 Pro 5G में 4GB जबकि Oppo A53s 5G में 8GB मिल जाती है। बात करें इंटरनल मेमोरी, जिसको हम स्टोरेज भी कहते हैं, वो Poco M3 Pro 5G में 64GB जबकि Oppo A53s 5G में 128GB मिलती है। एक्सपेंडेबल मेमोरी दोनों फोन में अप टू 1TB है। ऑपरेटिंग सिस्टम दोनों फोन में Android V11 देखने को मिलती है। बैटरी की बात करें तो दोनों फोन में 5000mAh देखने को मिलती है। आइए अब मेन फीचर को देखते हैं। कलर्स की बात करें तो Poco M3 Pro 5G में 3 कलर्स जबकि Oppo A53s 5G में 2 कलर्स ऑप्शन मिलते हैं। सब इन्फॉर्मेशन देखने के बाद बात करें प्राइस की तो Poco M3 Pro 5G की 15,990 रुपीस जबकि Oppo A53s 5G की 16,990 रुपीस प्राइस है, जो कि Poco M3 Pro 5G से ज्यादा है।
दोस्तों अब बात करते हैं प्रॉन्स एंड कॉन्स यानी कि फायदे और नुकसान की। तो दोनों फोन में 6 फायदे और 2 नुकसान देखने को मिलता है। फाइनली बात करें है रिजल्ट की तो डिस्प्ले में दोनों फोन सेम ही है। मेन कैमरा में पोको M3 Pro 5G आगे है। फ्रंट सेल्फी कैमरा में दोनों फोन सेम ही है। परफॉर्मेंस में ओप्पो A53s 5G आगे है। इंटरनल मेमोरी में ओप्पो A53s 5G आगे है। दोस्तों अब हम सेम प्राइस में आने वाले दूसरे फोन को भी देख लेते हैं। पहले कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें है जो कि 14,990 रुपए में मिलता है। दूसरा Realme Narzo 30 है जो कि 12,499 रुपए में मिलता है। तीसरा है जो कि 14,890 रुपए में मिलता है। और लास्ट कॉम्पिटिटर फोन की बात करें तो उसमें Samsung Galaxy M32 है जो कि 16,999 रुपीस में मिलता है। और ये सारे फोन की डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है या आपके किसी भी काम में आया है तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना।